इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ ओनली सच्चाई सामने लाना और अंधभक्तों पे जो अंधभक्ति की पट्टी बंधी हुई है उसको खोलना। दोस्तों मैं बहुत बड़ा अंधभक्त हूं, पर मैंने ये पट्टी खोल दी है तो आप कौन खोलोगे? मैं आज हिंदू सम्राट जिसको लोगों ने ये सोच के वोट दिए कि शायद वो हमारे भलाई के लिए कार्य करेगा, देश में क्या हो रहा है कौन बता इमाम से। आज मैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास गोदी जी के खिलाफ क्यों भड़क उठा? मैं बहुत बड़ा भक्त था, कितनी वीडियो देखी होगी आपने, पर मैं आज यार दिल की बात आज जुबान पे ला ही रहा हूं। क्यों दोस्तों? जब ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी हुआ उस टाइम देश में मात्र 400-500 केस थे, तो उस टाइम गोदी जी ने क्या किया? लॉकडाउन कर्फ्यू, लोगों की गांडे सुझा दी, लोग बाहर निकलने से डरते थे। और आज देखिए अकेले नरेंद्र दास दामोदर दास गोदी के होम टाउन में 15,000 लोगों केसेज है। और आज यार क्या ढील कर्फ्यू, कहां गए वो पुलिस वाले जो लोग बाहर जाने से डरते थे? क्या है ये? और केसेज देखो इंडिया में कितने केसेज पहुंच चुके हैं। अगर यही हिसाब था तो अमेरिकन की तरह रहने देते ना, जैसे ट्रंप ने किया, इकोनॉमी को नहीं बिगाड़ा था। और आज देखिए आपको इकोनॉमी की याद आ रही है? शराब की दुकानें खोल दी यार, रेलगाड़ी चला दी, हवाई वाहन चला दी, बस का ऐलान भी होने वाला है। ये क्या है मोदी जी, गोदी जी, ये बहुत बुरा है यार। और आज मेन मुद्दे की बात जो है दोस्तों, मेन मुद्दा जो है, देखिए किसी भी देश की तरक्की का जो मेन पावर होती है मैन पावर होती है, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनी, माइंस, मिल्स, जो भी ले लो, मजदूर वर्ग। आज उसके साथ क्या हो रहा है आपने देखा, वो दिल्ली से बेचारे कूच कर रहे हैं पैदल, मुंबई से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, कई जगह बेचारे छाले पड़ गए, बीमार हो गए, दवाई नहीं मिलने से सुसाइड कर लिया, मर रहे हैं, कहीं कोई खाना दे रहे तो किस तरह कुत्तों की तरह, बंदरों की तरह झट रहे हैं। और क्या किया सरकार ने, जब पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 1700 करोड़ का पैकेज श्रीमती वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन जी ने दिया। क्या दिया? चावल, सुदामा जी के चावल खाओ, सत्तू आटा दिया, सत्तू खाओ, उससे क्या गुजारा होगा 1700। और सबसे बड़ा लोरी पॉप दिया अभी 20,00,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज, वो खा गया यार। और सबसे बड़ी यार दुख की बात यह है कि इतने बड़े जो हमारे उद्योगपति है, रतन टाटा जी, क्या बोलते अंबानी वगैरह, और सचिन तेंदुलकर, बहुत से यार दिग्गज जिन्होंने डाल दिया, वो खा गया पैसा। और सरकार को आज लग रहा है कि देश की इकोनॉमी डगमगा रही है, शराब की दुकानें खोल दी, बस से चला दो सब कुछ, अब खुद करो तुम अपनी देखभाल, सोशल डिस्टेंसिंग तुम खुद करो। तो उस टाइम क्यों किया ऐसा? आज देखो यार, मैं वीडियो का मेन जो दिल में चुभ रही है बयान चुभ, वो है हमारा मजदूर वर्ग। इस कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मार कौन झेल रहे हैं? मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, चुदरे हैं बेचारे। रोज देखो यार यूपी में, यहां भी ये हादसा हुआ, इतने मारे गए, इतने घायल हुए मजदूर वर्ग। मैंने क्या बोला, किसी भी देश की मेन जो पावर होती है मैन पावर होता है, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्री कोई भी देख लो यार, किसान उगाता है बेचारा गरीब, तभी हम खाते हैं। और ये गोदी जी क्या हो रहा है यार, कोई हत्याएं हो रही है, कोई क्या हो रहा है, कोई व्हाट इज दिस? गोदी जी हिंदू का सम्राट माना आप, और ध्यान जो ये कर रहे हो आप, अगर आपने यही सिलसिला जारी करना तो स्टार्टिंग में करते ट्रंप की तरह। आज देख लो वो तो कितनी पावरफुल कंट्री है, इंडिया में अगर ये चीज होती है तो इंडिया में आज जैसे लोग अनपढ़ है तो ऑलरेडी नहीं उनके पास बाहर जाने के लिए, वो किस तरह से अपनी सुरक्षा करेंगे? खत्म हो जाएगा इंडिया इस तरह मोदी जी, अगर आप इस उस पर आ जाएगी अपनी सुरक्षा खुद करो। तो दोस्तों ये मेरा आज वीडियो का पक्ष तैयार ही क्या हो रहा है, आप लोग क्या चाहते हो, क्या सोचते हो कि क्या गोदी जी सही कर रहे हैं? 20,00,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज वो कहां गया यार? चलो 1700 करोड़ का गया था, उसमें चावल और सत्तू खिलाए थे लोगों को, सुदामा जी चावल और सत्तू खिलाए, बट वो कहां गए 20,00,000 करोड़ में जो दिया आर्थिक पैकेज, वो कहां है? सरकार को तो आर्थिक मंदी पड़ रही है, शराब की दुकान लगा दी, वहां पर भीड़ लगी हुई है, वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, घोटाले हो रहे हैं जो मास्क के नाम पे, सैनिटाइजर के नाम पे, क्या है ये? गोदी जी और जितने भी अंधभक्त है यार, इस चीज को समझो, मजदूरों के लिए आगे आओ यार, बेचारे मर रहे हैं यार, उनको दवाइयां नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, पैदल चल रहे हैं तुम लोग, ट्रेनें किस लिए चला रहे हो, बस से किस लिए, उड़ाने किस लिए चला रहे हो, किस लिए? मजदूर बेचारा कमाता तभी देश की तरक्की होती है, बिल्डिंग जो जितने में, कितने उदाहरण दूं यार तुम लोगों को, आज बेचारे मर रहे हैं।
इसके पीछे का कारण सिर्फ गोदी जी है। गोदी जी देश की हालत की दिन पर दिन 7 झांके से 8 झांके से इतनी डेथ हो चुकी है। अगर आपने यही सिलसिला जारी करना तो स्टार्टिंग में करते जब 400-500 लोग बाहर जाने से डरते थे यार, सारे बच्चों से घर में छुप जाते हैं। और आज देखिए सारे आप घूम रहे हैं, टाइमिंग देखिए सुबह से 9 से 5 कोई पुलिस नहीं, और सारे आप घूम रहे हैं दारू पार्टी कर रहे हैं भैंस। अगर यही हाल रहा तो दोस्तों उस विशेषज्ञ का कहना है कि आने वाले 2 महीने जो है बरसात के मौसम इम्यून सिस्टम वैसे भी कुत्ता, और इस तरह से कोरोना तरह इमाम चाहेगा इंडिया में कि नाम निशान नहीं रहेगा, इसके लिए जिम्मेदार से बहुत ईजी होंगे मजदूर वर्ग को। मैंने क्या बोला, पूंजीपति ने अपने पास राशन पानी सब कुछ इकट्ठा कर लिया, किस तरह से बेच रहे हैं, गरीब पिस रहा है, मजदूर वर्ग मर रहा है बेचारा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ थोड़ी सी सच्चाई लगती है, अगर मैंने अंधभक्तों की अंधभक्ति को घात किया तो प्लीज मुझे माफ करें, बल्कि ये सच्चाई है। और आप जिन लोगों को लगता है ये सच्चाई, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और नरेंद्र दामोदर दास गोदी तक पहुंचाइए। आपने गुजरात में तो सही कीजिए इस कोरोना को, देश के बाद बाद में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर कर सकते हो जितना कर सकते हो। अगर अंधभक्त हो तो अंधभक्ति दिखाओ और देश भक्त हो तो देश भक्ति दिखाओ।